नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर मंगलवार को श्रद्धालुओं ने राप्ती नदी में आस्था की लगाई डुबकी। लूट के माल के साथ तीन युवक चढ़े पुलिस के हत्थे। ललित कला एवं संगीत विभाग के राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। 22 जनवरी तक आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। जिलाधिकारी लगाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों का शीतकालीन भ्रमण एवं गांवों में चौपाल। 17 जनवरी को कैंपियरगंज के मखनवा गांव, 19 को खजनी के रक्सनारा, 20 को बांसगांव तहसील के बेनुआ आई टीकर में लगेगी चौपाल। शिल्प मेला में खरीदारी के साथ लोग उठा रहे हैं मनोरंजन का लुत्फ। राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन के तहत मकर संक्रांति पर 14 से 28 तक गोरखनाथ मंदिर परिसर में विधिक साक्षरता जागरूकता कैंप का जनपद न्यायाधीश मुकेश प्रकाश ने किया उद्घाटन। सघन वाहन चेकिंग अभियान में बिना कागजात वाले वाहनों का एसपी ट्रैफिक ने किया चालान। अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर राजस्व संग्रह अमीन संघ ने किया 3 दिवसीय धरना का आगाज। जिलाधिकारी राजीव रतेला ने किया खजनी में जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस। शिल्प मेला में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूली छात्राओं ने लगाया स्टॉल, लोग कर रहे खरीदारी। और जिला क्रिकेट लीग में जोनल पुलिस की टीम ने राइजिंग शाइन क्लब को 4 विकेटों से हराया। अब समाचार विस्तार से। मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर मंगलवार को श्रद्धालुओं ने राप्ती नदी में आस्था की लगाई डुबकी। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने राप्ती नदी में श्रद्धा की डुबकी लगाई। कड़ाके की ठंड को मात देते हुए श्रद्धालु सुबह 5 बजे से राप्ती तट पर पहुंच गए और नदी में डुबकी लगाना शुरू कर दिया, जिसमें बच्चे और महिलाओं की संख्या अधिक रही। स्नान के बाद लोगों ने सूर्य आराधना और गंगा माता की पूजा अर्चना करने के बाद गौ दान किया और राजघाट में लगे मेले का लुत्फ उठाते हुए जरूरी सामानों की खरीदारी भी की। शाहपुर थाना क्षेत्र में हुई पर्स छिनौती की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेते हुए लूट का माल बरामद किया है। क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के परिवेक्षण में थाना शाहपुर में महिलाओं के साथ हुई छिनौती की घटना के अनावरण के लिए शाहपुर थाना के प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में टीम लगाई गई थी। मुखबिर के जरिए पुलिस को सूचना मिली कि 3 लड़के एक मोटरसाइकिल से लूट की नीयत से पादरी बाजार की तरफ से कौवा बाग की तरफ जा रहे हैं। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर 3 युवकों को पकड़ लिया, जिसके पास से लूट के 4 मोबाइल, 2 चाबी का गुच्छा, कलाई घड़ी, बिछिया, ATM कार्ड, सोने का लॉकेट सहित अन्य सामान बरामद हुए। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान करण शर्मा पुत्र योगेंद्र शर्मा, आयुष श्रीवास्तव पुत्र विजय श्रीवास्तव, नीरज वर्मा पुत्र बैजनाथ शर्मा के रूप में हुई है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग के तत्वावधान में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति US सिंह के साथ कार्यक्रम के अध्यक्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति VK सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। 22 जनवरी तक चलने वाले इस राष्ट्रीय कार्यशाला में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाएंगे, जिसमें संतूर वादन से लेकर नाट्य कला का मंचन भी किया जाएगा। इस राष्ट्रीय कार्यशाला की औपचारिक शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्या अर्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रों के उच्चारण के पश्चात शुरू हुआ।
विशेष तरह के मंत्र का मंत्र से अभिनचित होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कॉलेज देवरिया से डॉक्टर प्रस्तुति है, मंदिर का कल्प है, यजुर्वेद के 34वें अध्याय के प्रथम अधिकारी प्रशासन प्रभुनाथ ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का शीतकालीन भ्रमण एवं गांवों में चौपाल लगाया जा रहा है। इस क्रम में जिलाधिकारी के द्वारा 17 जनवरी को तहसील कैंपियरगंज के मखनवा गांव में, 19 जनवरी को तहसील खजनी के रक्सा नारा तथा 20 जनवरी को बांसगांव तहसील के बेनुआ आई टीकर
में साय 6 बजे से चौपाल भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत लगाए गए शिल्प मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिप्रा दयाल व अनुराग सुमन की गीतों से श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। जिला प्रशासन की तरफ से शिल्प मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कराई जा रही है, जिससे लोग खरीदारी के साथ मनोरंजन का भी लुत्फ उठा सकें। हंसी कम न थी उसमें मेरा तराना का जब उठा गया। हाल क्या है दिलों का पूछो सनम। अब तो लहराया मस्ती भरी छाओ में, हाथ दो चाहे घुंघरु मेरे पाँव में, हाथ दो चाहे घुंघरु मेरे पाँव में। मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूँ। अरे टपली ले लो टपली। नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना कसम उठा गया। हल क्या है दिलों का पूछो सनम। करुण से हर हम से कोई गाना होता है।
राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में मकर संक्रांति के अवसर पर 14 से 28 जनवरी तक गोरखनाथ मंदिर परिसर में मेले में विधिक साक्षरता जागरूकता कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन जनपद न्यायाधीश मुकेश प्रकाश ने किया। ये जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती चंचल ने बताया कि कैंप में प्रतिदिन ग्रामीण अंचल में आए हुए लोगों को प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क कानूनी ज्ञान माला पुस्तिका व हैंड वितरण कर कानूनी संबंधी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने जन साधारण से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इसका लाभ उठाने की बात कही। महानगर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने तथा लोगों को हेलमेट व सीट बेल्ट के प्रयोग के लिए जागृत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक यातायात आदित्य प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में यातायात चौराहे पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मौके पर बिना कागजात लेकर चले वाहनों का चालान किया गया तथा बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वालों पर भी कार्रवाई की गई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि बिना कागजात के वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। एसपी ट्रैफिक ने बताया ऑटो चालकों के विरुद्ध शिकायत मिली कि कोई बिना ड्राइविंग लाइसेंस के नाबालिग लड़के चल रहे हैं और अधिक सवारियां भर रहे हैं, उसी को लेके हम लोगों ने आज ये ऑटो का अभियान चलाया। वो ऑटो है, दोपहिया वालों के हेलमेट चेकिंग है, सीट बेल्ट है, काली सीट हैं, सभी को लेके हम लोग अभियान चला रहे हैं, दूसरी बार कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? लोगों से ये कहना चाहेंगे जो ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें, जो बताया गया जितने हम लोग 6 महीने 7 महीने प्रयास कर रहे हैं, हेलमेट लगा के चलें, ऑटो में आगे सवारियां ना बैठाएं, सीट बेल्ट लगाएं, कार में शीशे काले शीशे ना हो, ये सब बता रहे हैं हम लोग, बार बार बता रहे हैं, इसको लोग सहयोग दें हमारा और खुद भी चलें और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हाय
हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। छिहत्तर सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सामयिक सेवाओं को जोड़कर सेवा व अन्य लाभ दिए जाने संबंधी व्यवस्था सेवा नियमावली में किए जाने संवर्ग की शैक्षिक योग्यता स्नातक किए जाने सहित 11 सूत्री मांग को लेकर मंगलवार से राजस्व संग्रह अमीन संघ ने कार्य बहिष्कार करके तहसील परिसर में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया, जिसका नेतृत्व संघ के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद चौबे ने किया। प्रदर्शन कर रहे संघ के सदस्यों का कहना था कि संवर्ग का पद नाम बदलकर राजस्व संग्रह अधिकारी किया जाए, नियत यात्रा भत्ता के स्थान पर मोटरसाइकिल भत्ता स्वीकृत किया जाए तथा संघ की 11 सूत्री मांग को अतिशीघ्र पूरा किया जाए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद चौबे ने बताया। नेतृत्व निर्देश के क्रम में यह तीन दिवसीय धरना 11 सूत्रीय मांग का है। ग्रेड पे चेंज करना, सामयिक सेवाओं को जोड़ने के लिए, पदनाम चेंज करने के लिए, जिला प्रशासन के द्वारा अमीनों का उत्पीड़न न किए जाने के संबंध में और जिला स्तर पे और तहसील स्तर पे SDM और जिलाधिकारी द्वारा कार्यकारिणी से वार्ता करने के संबंध में ये प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश के क्रम में ये धरना का आयोजन किया गया है, जिसके क्रम में आज तहसील सदर जनपद गोरखपुर में समस्त अमीन उपस्थित होकर के आज धरना रखते हैं। कितना दिन चलेगा यह धरना? तीन दिवसीय धरना है। यह 16, 17 और 18 यह 3 दिनों तक ये धरना निरंतर चलता रहेगा। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने निर्देश दिए हैं कि तहसील दिवस में आने वाले भूमि विवाद, अवैध अतिक्रमण के मामले राजस्व एवं पुलिस टीम में भेजकर सुलझाएं। वे खजनी में जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्व क्षेत्र में भूमि विवाद, विरासत, अवैध अतिक्रमण के अधिक मामले आएंगे, वहाँ दोषी कर्मचारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस में कुल 61 मामले आए। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि 15 दिन के भीतर निस्तारण करके आख्या दें। शिकायत की सुनवाई के समय या मौके पर जाते समय शिकायतकर्ता को अवश्य साथ रखें। निस्तारण गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन अगले सप्ताह शुरू हो सकती है। सभी जिला स्तरीय अधिकारी NIC से अपना ID प्राप्त कर लें, नियमित रूप से अपना ईमेल चेक करेंगे तथा प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करें। इस दौरान CDO अनुज सिंह, ADM ई प्रभुनाथ, ADM विधान जायसवाल, CRO बलराम सिंह, SP गणेश साहा ने लोगों की समस्याओं को सुना तथा निस्तारण का निर्देश दिया। इस दौरान DFO, अपर CMO, PD यशवंत सिंह, सप्त ऋषि, संजय कुमार, समरजीत, मीनू सिंह एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से लगाए जाने वाले संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील सदर के सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता उप जिलाधिकारी सदर राहुल पांडे ने किया। इस मौके पर आए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
मंगलवार को सदर तहसील से आए 61 मामलों में से 16 मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया। अन्य मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बना के ले आएंगे आप गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से भी स्टॉल लगाए गए हैं। ऐसा ही एक स्टॉल जंगल कोड़िया स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय मंगलपुर की छात्राओं ने भी लगाया है, जिसमें अनुपयोगी वस्तुओं से सामग्री बनाकर बेची जा रही है, जिसको लोग बड़े ही शालीनता से खरीद रहे हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्कूल की प्रधानाचार्य संगीता भास्कर ने बताया। अरे भाई, हम सभी कलाकारों को देखा, उसके बाद लोग गीतों को सुना, आवाज अपनी आवाज से जो बच्चे जो हमारे घर सफर आगे बढ़ा के बच्चे हैं और 2012 में काम करते हैं वहीं तक ले जाता है। इसको रियलिटी शो शहर के बिग मैम साहब का खिताब अपने नाम किया और अभी हाल ही में 2017 के लिए इसलिए इसको जो है आजमगढ़ में रंग उत्सव था, जहाँ बड़े बड़े कलाकार भोजपुरी की पुरानी वस्तुएं हो जाती उसमें शामिल थे, जो रिसाइकल भी नहीं इनको तो एक तरह से देखिए जो संस्कृति घरों के लोग कला के क्षेत्र में
इनके योगदान को देखते हुए वही हमने इन्हें पूर्वांचल महिला का कि उसका एक बहुत खूबसूरत सी ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ऐसे फनकार को हम अपने बीच पाकर आह्लादित हैं, खुशी है हमारे मन में। जोरदार तालियां हमारे इस फनकार जो दीप्ति अनुराग के लिए होती है, उससे जो है कलात्मक चीजों को बना आभास और ये मुख्य मंच से बनाते हैं बच्चे। झाड़ू की एक ऐसे झाड़ू होती है वाद्य को बजाया जो देते हैं, बहुत टिपिकल है, जाती है खराब हो जाता है। और पेप्सी की बॉटल्स जो हैं और उसके अलावा अंडे की जो प्लेट्स हैं जो फेंक जाती है, खुद लोग से सुनना चाहूंगा कि वो उसके साथ है ये जो वाद्य यंत्र क्या है और छोटा अनुराग का झूमर है, अनुराग क्या कर रहे हैं, ऑल पीस लीजिए दीप्ति अनुराग बंधनवार है जो सब टांगते हैं दीवान वगैरह में, और यहाँ पर स्टैंड है जो सीडी बेकार होता है। सभी श्रोताओं का सब चीजों मैं पूरी कलाकार की तरफ से सजाने की वस्तुओं में दीप्ति अनुराग अपनी तरफ से आप सभी। महानगर के सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज में जिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को राइजिंग शाइन क्लब बढ़लगंज और गोरखपुर के जोनल पुलिस के बीच मैच खेला गया, जिसमें राइजिंग क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 35 ओवरों में 136 रनों का लक्ष्य पुलिस जोन को दिया, जिससे पुलिस जोन ने मात्र 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस तरह से पुलिस जोन की टीम ने राइजिंग शाइन क्लब को 4 विकेट से हरा दिया। जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर मंगलवार को श्रद्धालुओं ने राप्ती नदी में आस्था की लगाई डुबकी। लूट के माल के साथ 3 युवक चढ़े पुलिस के हत्थे। ललित कला एवं संगीत विभाग के राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। 22 जनवरी तक आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। जिलाधिकारी लगाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों का शीतकालीन भ्रमण एवं गांवों में चौपाल। 17 जनवरी को कैंपियरगंज के मखनवा गांव, 19 को खजनी के रक्सनारा, 20 को बांस गांव तहसील के बेनुआ आई टीकर में लगेगी चौपाल। शिल्प मेला में खरीदारी के साथ लोग उठा रहे हैं मनोरंजन का लुत्फ। राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन के तहत मकर संक्रांति पर 14 से 28 तक गोरखनाथ मंदिर परिसर में विधिक साक्षरता जागरूकता कैंप का जनपद न्यायाधीश मुकेश प्रकाश ने किया उद्घाटन। सघन वाहन चेकिंग अभियान में बिना कागजात वाले वाहनों का एसपी ट्रैफिक ने किया चालान। अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर राजस्व संग्रह अमीन संघ ने किया 3 दिवसीय धरना का आगाज। जिलाधिकारी राजीव रतला ने किया खजनी में जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस। शिल्प मेला में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूली छात्राओं ने लगाया स्टॉल, लोग कर रहे हैं खरीदारी। और जिला क्रिकेट लीग में जोनल पुलिस की टीम ने राइजिंग शाइन क्लब को 4 विकेटों से हराया। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।